हेलो डियर स्टूडेंट, मैं इलियास डेटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का फिर से वेलकम। और आज जो इलेवंथ क्लास अपन लेने वाले हैं, यहाँ पर इलेवंथ क्लास के लिए जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट अपना चल रहा है, उसमें प्रीवियस जो मेरी क्लास हुई है, प्रीवियस वीडियोज जो आपने देखा होगा, उसमें मैंने GST बेस्ड एंट्रीज करना सिखाया था आपको कि इनपुट GST, आउटपुट GST कब कैसे यूज में ली जाएगी, उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे ट्रेड डिस्काउंट को पहले डिडक्ट किया जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू पे आप GST कैलकुलेट करेंगे। ये सारी सब चीज़ें जब मैंने आपको सिखाई थी प्रीवियस वीडियोज में, आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो बुक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उन एंट्रीज पे जो आज अपन और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि अपना टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए, अपने को अच्छे से समझ में आ जाए कि अपन क्या करने वाले। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको जनरल एंट्रीज के लिए फर्स्ट बेसिक सिखा चुका हूँ बेटा, कि कभी भी आपको जनरल एंट्रीज जो करनी हो फॉर्मेट में करनी है, तो फॉर्मेट मैंने आपको बताया उसी फॉर्मेट में आप एंट्रीज करेंगे, नरेशन लिखेंगे। मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपको सिखाता हूँ, डायरेक्ट एंट्री सिखाता हूँ, बट आपको मैं फॉर्मेट बता चुका हूँ किस फॉर्मेट में आपको एंट्रीज करनी, उसी फॉर्मेट में आपको एंट्री को कंप्लीट करना है। आज स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन, समझिएगा बेटा जो मैंने GST बताई थी उसके अंदर क्या था, कि इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे आपको क्वेश्चन बन के आएगा, आपको कैसे समझना है कि कब कौन सी GST आपको वहां पर लगानी है, वो समझना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ आपके लिए, समझिएगा इस बात को। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर्स Goyal and Sons, Delhi, for the month of January 2018. Who is a registered intra-state dealer on which 9% CGST and 9% SGST is charged? Also, pass entries of the sale set of out taxes. ठीक है बेटा, दिल्ली का कोई registered dealer है जिसको intra-state कुछ transactions दिए हैं। दिल्ली का मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर दिल्ली जोन में ही अगर गुड्स को सेल परचेस करेगा तो उस पर CGST SGST लगेगी, लेकिन जैसे ही दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली वो गुड्स को सेल करेगा या परचेस करेगा तो उस पर आपको क्या पे करनी है, IGST पे करनी है, ये ध्यान रखनी है बात आपको। अब क्वेश्चन में क्या ट्रांजेक्शन है, एंट्री कैसे बन रही है समझिएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपने को दे रखा है बेटा Jan 2 का, देख लेते हैं, डेट डाल दिया आपने, उस डेट वाले कॉलम में डेट डाल दीजिएगा। देन उसके बाद परचेस गुड्स फ्रॉम मेसर्स रामा सेल्स दिल्ली 40,000, गुड्स परचेस हुआ है मेसर्स रामा एंड सन्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पार्टी का नाम आया आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जब भी पार्टी का नाम आएगा इसका मतलब गुड्स किस में परचेस हुआ है, क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब उधार में, तो उधार में परचेस हुआ है, तो पार्टी का नाम यहाँ पर मेंशन जो किया है वो अपने लिए इंपैक्ट करेगा, तो पार्टी होगी कौन सा अकाउंट बेटा, पर्सनल अकाउंट। दूसरी चीज परचेस जो है आपका नॉमिनल अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पर इंपैक्ट हुए। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है आप सभी को पता है अच्छे से, अब तो ऑल एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड क्रेडिट्स आर प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, तो यहाँ पर परचेस को अपने को डेबिट करना पड़ेगा बेटा। परचेस अकाउंट क्यों डेबिट हुआ समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अमाउंट है आपका परचेस, आपने टोटल गुड्स किया है 40,000 का, सीधी सी बात है कि आप गुड्स जो परचेस कर रहे हैं उस पर GST तो देनी पड़ेगी आपको, दिल्ली में अगर आप परचेस कर रहे हैं तो CGST और SGST पे करनी पड़ेगी। रेट आपको ऊपर पहले क्वेश्चन में गिवन है बेटा, 9% CGST पे करनी और 9% SGST पे करनी। तो आपको मैंने समझाया था बेटा कि जब GST आप पे करेंगे तो वो इनपुट GST होगी और जो पे कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री में इनपुट CGST भी लेनी पड़ेगी और SGST भी लेनी पड़ेगी, तो इनपुट CGST आपकी हो गई यहाँ पर डेबिट, वैसे ही आपकी इनपुट SGST भी हो जाएगी बेटा डेबिट, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर टू किसको लिया जाए, तो पार्टी का नाम आएगा, तो पार्टी कौन है बेटा, रामा सेल्स, तो मेसर्स रामा सेल्स, ठीक है। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट ऑफ जो GST है वो बेटा 9%, तो 40,000 का 9% आप निकालोगे तो 3600, देन 3600, तो टोटल जो अमाउंट आपको पे करना रहेगा वो पे करना रहेगा बेटा 47,200। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बेटा परचेस को क्यों डेबिट किया, इस पर GST कैसे कैलकुलेट किया और टोटल ओवरऑल अमाउंट अपन ने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आया सपोज Jan 3 का आपको ट्रांजेक्शन दे रखा है, Jan 3 पे ट्रांजेक्शन हुआ है बोर्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स मेहता स्टोर दिल्ली, फिर से गुड्स परचेज हुआ है मेहता ब्रदर से इस बार बेटा, ठीक है, मेहता स्टोर से आपने परचेस किया है, तो वापस एंट्री में आपको क्लियर है कि गुड्स परचेज होगा तो परचेज अकाउंट ही डेबिट होगा, ठीक है बेटा। फिर वापस GST तो पे करनी पड़ेगी, तो वापस इनपुट CGST अकाउंट आपका हो गया डेबिट, वैसे ही आपका इनपुट SGST अकाउंट भी रहेगा डेबिट। टू आपका कौन सा है, पार्टी का नाम क्या दे रखा है बेटा, वापस पार्टी का नाम दे रखा है, तो उधार में हुआ है, तो मेसर्स मेहता अकाउंट परचेस जो हुआ है वो हुआ है बेटा 60,000 रुपीज़ का, 60,000 रुपीज़ पे आपको 9% GST पे करनी है, ठीक है, तो 5400 आपकी GST हो गई, तो ओवरऑल जो आपका अमाउंट पे करना पड़ेगा वो हो गया बेटा 70,800।
तो ये आपका सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया। सेम ट्रांजेक्शन था बेटा, परचेज हुआ फिर से, तो परचेज डेबिट, उसके बाद उन दोनों की जीएसटी जो आपको लगानी है 99% वो डेबिट, एंड टोटल अमाउंट आपको उस पार्टी से कलेक्ट करने का ये रहेगा, पे करना ये रहेगा। तो ये बेटा ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, आराम से अब समझ में आ रहा होगा। काफी प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं इस जनरल एंट्रीज पे, तो अब आपको अकाउंट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अकाउंट देखते हैं आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट का पार्ट है, ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, उसके अकॉर्डिंग उसका गोल्डन रूल अप्लाई करके आपको एंट्री बनानी है। अब बात करेंगे उसके आगे, ये हटा देता हूँ बेटा मैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा यहाँ पर आया, सोल्ड गुड्स मेसर सुपर सेल्स, गुड्स इस बार सेल हुआ है, सेल होने का मतलब इस बार जीएसटी कौन सी आएगी, आउटपुट जीएसटी आएगी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर बस पार्टी का नाम दे रखा है आपको, मेसर सुपर सेल्स मतलब वापस जो आपने गुड्स जो सेल किया है वो क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, तो पैसा तो आने वाला नहीं है, तो पैसा उस पार्टी से लेंगे, तो उस पार्टी को ओपन कर लेते हैं डेबिट। तो मेसर सुपर सेल उस पार्टी का नाम है, अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, वो पार्टी को अपन ने डेबिट कर लिया। अब बात आती है गुड्स सेल हुआ है तो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम होगी, तो क्रेडिट कर दिया सेल्स को। अब उस पर जो जीएसटी आपको कलेक्ट करनी है, इस बार जीएसटी आप सामने वाली पार्टी से आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए इनकम हुई तो क्रेडिट होनी चाहिए, तो टू आउटपुट, आउटपुट वर्ड क्यों यूज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अपन कलेक्ट कर रहे हैं, जब पे करते हैं इनपुट यूज होता है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, तो इनको क्रेडिट कर दिया अपन ने। टोटल अपन ने सेल कितने अमाउंट की है, तो सेल की है बेटा 70,000 की, तो 70,000 तो आपका इसमें आ गया, जीएसटी के रेट 9% है ये, तो 9% 70,000 का अपन निकालेंगे, तो आपका 6,300 तो सीजीएसटी होगी और 6,300 एसजीएसटी होगी, टोटल ये अमाउंट हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बेटा अपन, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, तो ये हो गया बेटा 82,600 रुपीस, ये एंट्री हो गई आपकी बहुत ईजीली, देख सकते हैं आसानी से कैसे अपन ने एंट्री बना ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स मोहन ब्रदर्स अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया मेसर्स मोहन ब्रदर्स को, और चेक के अगेंस्ट यानी आपने पार्टी ने पेमेंट जो किया है वो चेक से किया है, तो पैसा जो आएगा वो कहाँ आएगा, बैंक में आएगा बेटा, तो इस बार एंट्री में डेबिट कौन होगा, बैंक डेबिट होगा, क्योंकि चेक आपको मिल चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आप यहाँ पर करेंगे। टू सेल्स आपने किया है गुड्स का और उसमें जीएसटी वापस आपको आउटपुट जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो टू आउटपुट सी जीएसटी आ गया एंड टू आउटपुट एस जीएसटी आ गया, ठीक है बेटा। क्यों पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं अपने मेंशन किया, क्योंकि उस पार्टी से अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने तो चेक दे दिया, पेमेंट कर दिया अपने को, और पैसा कहाँ आएगा, बैंक में, तो अपन बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट करेंगे। टू सेल्स टू आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी, तो अपन ने सेल किया है बेटा टोटल 20,000 रुपीज का, तो उस 20,000 रुपीज के सेल पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करनी पड़ेगी। सीजीएसटी आपकी 9% यानी 1800, इट मींस वो चेक जो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा बेटा वो करना पड़ेगा 23,600 का, ये आपका पार्ट रहेगा इसमें, ठीक है बेटा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट अपना पॉइंट जो आ रहा है वो नेक्स्ट आ रहा है पेड सैलरी टू एम्प्लॉय। अब बात यहाँ पर कोई एम्प्लॉय का नाम भी अगर अपने को दे दे कि पेड सैलरी टू राजू महेश कुछ भी नाम दे दे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कॉन्सेंट्रेट किस पे होना चाहिए, सैलरी पे, सैलरी बिजनेस के लिए है, एज ए एक्सपेंस सैलरी डेबिट होगी और पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जाएगा, तो एंट्री बनेगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ पर जीएसटी नहीं आएगी बेटा, क्योंकि सैलरी पर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होती है, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पे कर दिए आपने तो सैलरी पे की बेटा कितने अमाउंट की 30,000 की, तो अमाउंट आ गया आपका 30,000, ये हो गया आपका क्वेश्चन, आराम से समझ सकते हो बेटा। यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट जो आपको ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था बेटा पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोई भी हो एक्स वाई जेड, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन ने सैलरी पे कर दी तो सैलरी अपने लिए नॉमिनल एज ए नॉमिनल अकाउंट आपका एक्सपेंस हो गया, तो सैलरी एज ए एक्सपेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, आपने डेबिट कर दिया, उसके पे करते टाइम आपको पेमेंट करने के लिए पैसा पे करना पड़ेगा, तो कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए अपन ने कैश को क्रेडिट किया, तो ये होती है बेटा जनरल एंट्रीज, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कभी भी सैलरी के कोई भी एक्सपेंस जब आप इनकर्ड कर रहे हो तो वहाँ पर किसी पर्सन का नाम अगर दे भी रखा है तो वहाँ पर मैटर नहीं करेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है देखते हैं बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम मेसर्स नीला एजेंसी अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक का मतलब आपने उस एजेंसी पार्टी को पेमेंट किससे कर दिया है, चेक से कर दिया है, ठीक है बेटा।
तो एंट्री कैसे बनेगी समझिएगा, गुड्स परचेस कर रहे हो तो आपस परचेस तो डेबिट होना ही है, ये बात कंफर्म है, परचेस को डेबिट कर लिया अपन ने। अब जब परचेस डेबिट हो रहा है तो उसकी जीएसटी तो आपको भरनी पड़ेगी, तो इनपुट सी जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी और इनपुट एस जीएसटी भी पे करनी पड़ेगी। तो दोनों जीएसटी को अपन पे कर रहे हैं तो एज एक्सपेंस डेबिट कर लेते हैं, इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी ले लिया अपन ने, ये डेबिट हो गया। अब बात ये रही कि पार्टी का नाम आए या नहीं आए, तो उस पार्टी का नाम इंडिया एजेंसी दे तो रखा है बट वो पार्टी कैश चेक से पेमेंट कर रही है, तो पैसा बैंक में वैसे ही है, आना ही आना है। आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो अब उस नीला एजेंसी से अपने को क्या मतलब है, तो बैंक से आप पेमेंट कर दीजिए, तो बैंक अकाउंट चेक दे दिया आपने उसको। और परचेज जो हुआ है बेटा वो अमाउंट दे रखा है आपको 25,000 का, उस 25,000 पर आपने 9% CGST भरी होगी, तो 9% CGST कितनी होगी, वो होगी बेटा 2250, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका 29,500। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन अपन ने कर लिया है यहाँ पर। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है बेटा यहाँ पर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। चेक से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आपस इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके लिए क्या है, एज अ एक्सपेंस, एक्सपेंस तो डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। वापस बात ध्यान रखना बेटा, इस पर भी कोई GST नहीं होती है, तो आपका अमाउंट जो है टोटल अमाउंट 6,500 का है तो 6,500 ही लेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा पेड लीगल फी बाय चेक। एक लीगल फी पे आपने पेड फी, लीगल मतलब फी का मतलब कोई भी आपने जो बिजनेस रिलेटेड काफ़ी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ काफ़ी कुछ अपने को लॉस फॉलो करने होते हैं, पर्सन को आप जब फी पे करते हो तो लीगली फी जो पे आप कर रहे हो उस पर GST चार्ज होती है बेटा। तो समझिएगा आप पे कर रहे हो तो लीगल फी तो अपने को डेबिट करना ही करना है, उसके साथ साथ उस पर GST भी अपने को पे करनी पड़ेगी। तो GST का वापस इनपुट CGST अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। देन इनपुट SGST यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू चेक से पे कर रहे हो तो बैंक आ जाएगा बेटा अमाउंट। लीगल फी कितने की पे की है, आपने पे किया बेटा 5,000 की, उस 5,000 पे 9% तो CGST आपको पे करनी पड़ेगी, 9% SGST पे करनी पड़ेगी, तो ओवरऑल आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5,900। ठीक है बेटा, तो ये आपका तरीका होता है जनरल एंट्रीज करने का, इसको आप फॉर्मेट में करें जो आपका डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट को क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कॉलम में आप पुट कर दें। ठीक है, तो आज की जो बेटा क्लास है उसके अंदर मेजरली मेरे को आपको यही सिखाना था कि किस तरीके से GST की आप एंट्रीज करेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, कब GST पे की जाएगी कब नहीं पे की जाएगी, वो सारी चीज़ें मेरे को बताना था इसका मोटिव। तो आज की इस क्लास का जो अपना मोटिव है उसको आप भी जनरल एंट्रीज करें, सारी एक एक एंट्रीज को फिर से अपनी कॉपी में आप वीडियोस को देख के करें, कोई डाउट्स अगर आपको रहता है, कोई क्वेरीज अगर आपको रहती है तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही अवेलेबल, उस पर कॉल मैसेजेस करके आप पूछ सकते हैं, कभी डाउट्स हो तो अपने क्लियर कर सकते हैं, पुरानी कुछ एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें तो आपको ठीक रहेगा, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो बाद में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इससे अच्छा है कि अपने 24 आवर्स में से 1 or 2 आवर्स अपन अपने स्टडी टाइम के लिए निकालें, अच्छे से पढ़ाई करें तो अपन अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।